अस्सलाम वालेकुम, चैनल पिक्चर शूटर पर खुश आमदीद। पिछली वीडियो में कराची के मशहूर शीरमा और भट्टी की रोटी का सेटअप दिखाया। आज की वीडियो मस्जिद तूबा, जो कि कराची के DHA फेज 2 में वाकया है, इसके बारे में है। इस मस्जिद को गोल मस्जिद भी कहते हैं, क्योंकि इस मस्जिद का एक ही मेहराब है और ये मेहराब गोल है। इस मस्जिद का संग बुनियाद 1966 में रखा गया। इसकी तामीर 4 साल में मुकम्मल हुई। मस्जिद की तामीर पाकिस्तान डिफेंस ऑफिसर हाउसिंग सोसाइटी की जेरे निगरानी की गई। मस्जिद का डिजाइन डॉक्टर बाबर हमीद ने तैयार किया और मेसर्स मैकडोनल्ड एंड कॉन्स्टेंट कराची ने बतौर कॉन्ट्रैक्टर अपनी जिम्मेदारी अदा की। इस मस्जिद में बैक वक्त 30,000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। ये मस्जिद दुनिया की एक मेहराब वाली बड़ी मस्जिदों में गिनी जाती है। ये जाली का डिज़ाइन भी मुनफरद है। इस जाली में ऐसा डिज़ाइन बनाया गया है ताकि हवा अंदर आए, रोशनी या धूप जो है ना वो अंदर की तरफ ना दाखिल हो। फिर इधर से कुछ एंट्री गेट वो बड़े हैं, बाकी ये छोटे गेट साथ बनाए गए हैं। इनकी तादाद और उनकी तादाद मिला के ये टोटल 15 बनती है। मस्जिद की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए 7 लाख से ज़्यादा संगे मरमर की टुकड़ियों को अंदर और बाहर की तरफ इस्तेमाल किया गया है। इस मस्जिद का कुल रकबा 5,570 मुरबा गज है। जब भी कराची आए एक दफा जरूर इधर चक्कर लगाएं, नमाज की अदायगी करें और इस शाहकार को देखें।
पूरी मस्जिद में पिलर नहीं है जी, ये पिलर लेस मस्जिद है और इसको गोल मस्जिद कहते हैं कराची में, डिफेंस के पास है। इस मस्जिद की गुंबद का कतर 72 मीटर है जिसे 212 फुट भी कहा जा सकता है और इसकी ऊंचाई 5148 फुट है और इसमें कोई पिलर नहीं। 70,000 शीशों को मुनफरद अंदाज में छत पर लगाया गया है। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। मेरी अगली वीडियो कराची की मशहूर सौगात जावेद निहारी के बारे में है। अपना कीमती वक्त देने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम लतीफ भाई, आज आपकी यादों के साथ हमने जावेद निहारी खाई है और आपको बहुत याद आती है। ठीक है।